वो शख्सियत जिसे धरती पर मैं देवदूत कहूँ या फिर धरती पर भगवान कहूँ, जिसे मानवता की मिसाल कहूँ या जिसे जिंदा शहीद कहूँ, जिसे आग कहूँ, शोला कहूँ या चिंगारी कहूँ, लेकिन सच बात यह है कि वो काम नाम के लिए नहीं बल्कि इंसान के लिए करते हैं। और हमारे देश की शान है श्री बिट्टा जी जो चेयरमैन है हमारे कंज के, उनका मानना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो कहीं भी आग मगर ये जलनी चाहिए। बिट्टा जी हम सभी इस आग को सुनने और देखने के लिए बेताब हैं। कहीं तेरी मौत है इस वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जागी इस चमन की जिंदगी। आदरणीय हमारे पिता समान इस पंजाब को अमन शांति देने वाले, आतंकवादियों का डट के मुकाबला करने वाले केपीएस गिल साहब, मेरे भाई जो अमेरिका से सब काम छोड़ करके यहां बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, इन परिवारों के साथ शर्मा जी के परिवार के साथ हमदर्दी करने के लिए और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, श्री सोनू निगम जी, श्री ओपी जैन साहब, श्री टंडन साहब, मट्टू साहब, चग्गी सानी जी, पांडे जी, कबाजी जी और जगीसानी जी और मेरे भाइयों और बहनों और मेरे साथियों, जब बच्चे आपके सामने खड़े हैं और बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता, उनके दादा दादी, उनके नाने नानी उन बच्चों को देखते हैं, कोई भी सरकारों के व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के व्यक्ति, कोई इनको पूछने के लिए नहीं आता। कुछ समय के लिए आते हैं, जब जख्मी होते हैं अस्पताल के अंदर वो लोग सिर्फ मीडिया के लिए, मीडिया पॉलिटिक्स, फोटो पॉलिटिक्स, कुछ समय के लिए उनके साथ उनकी श्रद्धांजलि में कंधा देते हैं, उनकी अस्थि को कंधा देते हैं, कोई उनके पास पूछने के लिए उसके बाद नहीं आता। ये मिसाल है श्री मूलचंद शर्मा जी की, वो मूलचंद शर्मा जी जिसने अपने सीने पे गोलियां खाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं गए, जिनका जीवन भारत माता के लिए समर्पण था हमेशा, उनको पता था मेरे सीने पे गोलियां लगेंगी और वो कहा करते थे जब मेरी शहादत होगी भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए मेरे सीने पे गोलियां लगेंगी। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए गए, मुकाबला करने के लिए गए, वो आतंकवादी जिन्होंने अहमदाबाद में हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ा, वो आतंकवादी जिन्होंने 120 के करीब बेगुनाह लोगों को जयपुर के अंदर मार दिया, वो आतंकवादी जो सामने बैठे हैं क्रोधबाग के विक्टिम, जो क्रोधबाग के अंदर उन बच्चों को अनाथ कर दिया, उन मेरी बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया, वो आतंकवादी जो नर्म प्लेट के अंदर ब्लास्ट करना चाहते थे, अगर वो ब्लास्ट हो जाते, अगर मोहनचंद शर्मा जी कुर्बानी ना देते, हजारों बहनों के सुहाग उड़ जाते, हजारों बच्चे हयातिम हो जाते, पर मोहनचंद शर्मा जी ने अपने सीने पे गोलियां खाई और नेहरू प्लेस के अंदर ब्लास्ट होने से बचा दिया और आतंकवादियों का मुकाबला किया। जब राजनीतिक लोग ऐसे व्यक्ति के ऊपर चिंता टिप्पणी करें, क्या हम आजाद भारत को बचा पाएंगे? कितनी देर तक इन लाखों के ऊपर राजनीति होती रहेगी? कितनी देर तक हमारे और केपीएस सिंह जैसे लोगों की आवाजों को बंद करवाने की कोशिश होगी? ये जवान कुर्बानी देते रहेंगे, शहादत देते रहेंगे, पर उन राजनीतिक लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति ने भगवान के पास जाना है, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत शोहरत ले ली, खुदा का वास्ता कम से कम इस भारत को तो बचा लीजिए, इन बहनों भाइयों को तो बचा लीजिए, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। आज हर इंसान इस देश के अंदर हाउस टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है, घर का टैक्स देता है, बिजली का टैक्स देता है, पानी का टैक्स देता है, पर उसकी सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा है तो हमारे जैसे लोगों की, नेताओं की सुरक्षा है,
जनता की सुरक्षा नहीं है। क्या फायदा उन पॉलिटिकल पार्टियों का, क्या फायदा उन सरकारी जगह पे बैठे हुए उन नेताओं का जो लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। आज एक मोहन चंद शर्मा जी का अपमान किया, याद रखना अगर इस तरीके से फोर्स को डिमोरलाइज राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां करती रहेंगी, नेता लाखों पे राजनीति करते रहेंगे तो ना नेता बचेंगे, ना देश बचेगा, ना लोग बचेंगे। आज देश की जनता को सामने आना होगा। पीड़ित समस्त परिवारजन एवं हम सब सदस्य इस मौके पर शपथ लेते हैं कि आतंकवाद विरोधी मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आतंकवाद का संपूर्ण नाश करेंगे एवं राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने की हम शपथ लेते हैं हम सभी मिलकर अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का संकल्प लेते हैं। और अब सभी से गुजारिश है कि राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए कृपा करके अपने स्थान पर खड़े रहें और मैं चाहूंगी कि आपका स्थान गुनगुनाए। शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने अपना आशीर्वाद देने के लिए